गुड मॉर्निंग बच्चों, एर्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग? एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, जो बाकी हैं उनको आगे किया जाएगा आज। तो देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 तो हम करा दिए थे, लेकिन एक बार और देख लो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट बता, मल्टीप्लाई द एक्सप्रेस ऑफ द रिजल्ट एंड द लोएस्ट टर्म। मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उनका रिजल्ट जो आना है उसको लोएस्ट टर्म में लाना है। जैसे थर्ड पार्ट इसका देख लीजिए, क्वेश्चन 3 का थर्ड क्या करा है, 36/45 अपॉन में एंड 9/12। तो क्या करेंगे, 36/45 × 9/12। देखिए 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, 9 जा 9, 9 5 जा 45। तो आपका क्या आ गया, 3/5 1/1। तो मल्टीप्लाई कर ले, 3 बन जा 3, 5 5 5, ये आपका आंसर हो गया लोएस्ट टर्म में। अब इससे लोएस्ट नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, डिवाइड द फॉलोइंग्स। ये क्वेश्चन है जो आपको फिर बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक का आपको करा दिया गया था पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट डिवाइड करना है इसमें, 6/13 −3/2। एक चीज बच्चों और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन हम लोग नोट करने में जो है डिजिट चेंज हो जाती है ना, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कुछ और हो जाता है। तो सॉल्यूशन आप देखा करिए कि सॉल्यूशन जो उसका दिया गया है आपको, क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। बुक पे एकदम मैच करने के चक्कर में मत पड़ा करिए कि क्वेश्चन सेम टू सेम है कि नहीं है, आंसर पीछे मिल रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करके छोड़ देते हैं, लोएस्ट टर्म में नहीं लाते हैं, आंसर पीछे लोएस्ट टर्म में आ रहा होता है, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं उसको। अब इसमें देखो क्या करा है, डिवाइड करने को बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 6/13 × 3/2 अब क्या करो, 6/13 तो है, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है इसको इंटरचेंज कर लीजिए, मतलब 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 × 3 × 3 × 2 = 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा अपॉन 13 हो जाएगा, साइन किसका लगाओगे, माइनस का, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखें, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 18/34 − 9/40, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोग करते हैं इसको, 18/34 − −9/40, ठीक है। 18/34 × का साइन लगाइए, फ्रैक्शन को चेंज करिए, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, 9 × 9 9 × 18, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 × 2 = 17, तो यहाँ गया 1/17 × −40/1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, −40/17, ये आपका आंसर हो गया। अब इससे अलग लोएस्ट में आ नहीं सकता, तो आपको डिवाइड करना समझ में आ गया। जिससे डिवाइड करना है वहां पर डिवाइड का साइन लगाइए, फिर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के उस फ्रैक्शन को
चेंज कर लेंगे, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे। उसके बाद जैसे तो अभी तक आप मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे थे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, लोवेस्ट टर्म में लाएंगे, लोवेस्ट टर्म में आ सकता है तो ले आइए, नहीं आ सकता है तो मत लाइए, वो आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है आंसर, तो आप क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन लाने के लिए 40 को 17 से डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये सिक्सा जाएगा इस तरह, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, तो साइन किसका लगाएंगे माइनस का लगाएंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करके 17 टू 34 हुआ, 34 में 6 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा अपॉन 17 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो सकता है, आपका ये भी आंसर हो सकता है, पीछे बुक में आप देख लेंगे जिस फॉर्म में आ रहा होगा आंसर वैसे आप कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर फोर जो आप करेंगे तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है करने को, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे ये समझ लो, जैसे कोई एक रेशन नंबर दिया है 3/5, क्या दिया बेटा 3/5 दिया हुआ है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो होगा मतलब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए। सपोज एक है हमारा 3/5, अब इसको किससे हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आए, तो इसको अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर लें, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया 1 आया, तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा 5/3 होगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, मतलब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब आप एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन दिया है, जैसे 13 दिया है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या दिया है माइनस का 13 दिया हुआ है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा माइनस का 1/13। कैसे, जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे क्या करेंगे -13 -1/13 जब करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का इंटू क्या होगा प्लस होगा और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डेफिनेशन यही कहती है कि अगर कोई नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका क्या आता है 1 आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है -16/23 ये दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताइए, क्या होगा बच्चों -23/16। कैसे, अगर इसको प्रूव करके दिखाना होगा तो आप क्या लिखेंगे 16/23 - 23/16, 23 से 23 कटा, 16 से 16 कटा, -1 - 1 आंसर क्या है 1 आ जाएगा, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, प्रूव कर गए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, इसके देखो अपने दो पार्ट्स आपको बताए हैं, दो पार्ट्स आपको करने हैं, वेरी सिंपल। जैसे थर्ड वाले का क्या होगा 7/19 दिया हुआ है, तो इसका अगला जो इसका सोल्यूशन निकलेगा वो हो जाएगा 19/7 हो जाएगा,
फोर्थ वाले का माइनस टू अपॉन फाइव है तो माइनस फाइव अपॉन टू हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखें अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड माइनस एट अपॉन थर्टीन बी मल्टीप्लाइड टू गेट माइनस सिक्सटीन अपॉन थर्टी नाइन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर दिया है माइनस एट अपॉन थर्टीन, इसमें किस मल्टीप्लाई किया जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो आपको मिले वो मिले माइनस सिक्सटीन अपॉन थर्टी नाइन। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रेशनल नंबर जो है वो क्या है, P अपॉन क्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है माइनस एट अपॉन थर्टीन में अगर हम P अपॉन क्यू रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस सिक्सटीन अपॉन थर्टी नाइन। ठीक है बेटा, और वैल्यू किसकी निकालनी है, P अपॉन क्यू की निकालनी है, तो P अपॉन क्यू की निकालना है तो ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। अब चाहो तो साइन पहले माइनस साइन का जिक्र, जो मल्टीप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। और आप कह सकते हो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन थर्टी नाइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एट अपॉन थर्टी। ये समझ में आ गया आपको, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन थर्टी नाइन इन टू थर्टीन बाई एट। ये फ्रैक्शन देखो हमने डिवाइड की जगह इनटू का साइन लगाया तो इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब देखिए एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, थर्टीन वन जा थर्टीन, थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन। पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू यहाँ से लेकर क्या है टू, डिनोमिनेटर से थ्री, तो टू बाई थ्री, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक बेटा, आपकी एक्सरसाइज अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, टेन क्वेश्चन हैं टोटल इसमें। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड माइनस टेन अपॉन थर्टी थ्री बी डिवाइडेड टू गेट माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर्टी फोर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है आपका माइनस टेन अपॉन थर्टी थ्री, अब इसमें किस रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है, किस रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो आंसर है वो माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर्टी फोर आ जाए। अब देखिए सेम ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कह रहा था और इसमें क्या कह रहा है, डिवाइड किया जाए। ठीक बच्चों, हाँ तो ध्यान दीजिए आप लोग, हम लेट कर लेते हैं, लेट रेशनल नंबर हमने क्या लेट किया, P अपॉन क्यू लेट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि माइनस टेन अपॉन थर्टी थ्री, माइनस टेन अपॉन थर्टी थ्री में किस नंबर से डिवाइड किया जाता, हमने P अपॉन क्यू से क्या किया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाए, देखिए क्वेश्चन में माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर्टी फोर ये आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइनस टेन अपॉन थर्टी थ्री इंटू
पी अपॉन क्यू अपॉन पी कर लीजिए, क्यू अपॉन पी इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 44, माइनस माइनस को कैंसिल हो गया, वेरी गुड। हाँ इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए आप, मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सा, 10 क्यू अपॉन 33 पी इज इक्वल टू 15 अपॉन 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यह आ गया 33 इंटू पी इंटू 15, ये आ गया इज इक्वल टू 10 इंटू क्यू इंटू 44, पी इधर से ले आया आप, क्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 44 अपॉन 33 इंटू 50, क्या समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, पी अपॉन क्यू 2 × 4 / 3 × 3, तो पी अपॉन क्यू 4 2 जा 8 3 3 जा 9, पी अपॉन क्यू कितना आ गया 8/9 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही आप लोग होमवर्क में सॉल्व क्वेश्चन 7 8 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको आगे बताएंगे, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा। सभी बच्चे इसको फेयर कॉपी पे भी कर लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।